पंजाब कांग्रेस के भीतर नया सियासी भूचाल आया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा है, जिनमें लिखा है कि वे पंजाब के भविष्य और लोगों के भले से समझौता नहीं कर सकते। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू को 18 जुलाई को ही पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। इस्तीफे की वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सिद्धू उन्हें सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराज चल रहे थे। इसके बाद मंत्री पद और मंत्रालय बंटवारे में सिद्धू की नहीं चली। मंगलवार को मंत्रालय बांटे गए तो गृह विभाग सुखजिंदर रंधावा को दिया गया, जिसके बाद दोपहर में सिद्धू का इस्तीफा सामने आ गया। नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस में हुई बगावत के नतीजे के तौर पर 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उनके मंत्रिमंडल में अपनी राय को तरजीह न मिलने पर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के हाईकमांड को अपना इस्तीफा भेज दिया। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।